హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు ఒక సినిమా మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఆ సినిమా పేరే ఫ్రెండ్షిప్. ఇది తెలుగు, కన్నడ, తమిళ్ ఆడియన్స్ ని కూడా పలకరిస్తుంది. ఇందులో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా? ఆయన అలా క్రికెట్ గ్రౌండ్లో పిచ్ మీద ఉంటే సిక్స్లు వెళ్తాయని తెలుసు, అండ్ ఆయన వేసే బాల్స్కి క్లీన్ బాల్డ్ అవుతారు ఆపోజిట్లో ఉన్న క్రికెటర్ అని తెలుసు. ఇప్పుడు ఇంట్రోలు ఇవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు, అంత మంచి క్రికెటర్ మన హర్భజన్ సింగ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఫ్రెండ్షిప్ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి. ఆలస్యం చేయకుండా ఆయనతో వర్చువల్గా కనెక్ట్ అయిపోదామా? హాయ్ హర్భజన్ జీ, హౌ ఆర్ యూ? Very fine. How are you doing? I thought एक बार तो मुझे लगा कि लॉस्लिया मेरा इंटरव्यू लेने आ गई है. You look like हाँ, मुझे एक बार तो लगा शायद लॉस्लिया सामने बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रही है. Oh, सच में? Thank you so much. शायद इसीलिए ये जॉब मिला मुझे. So थोड़ा सा मेरा हिंदी खराब है, पोल्यूटेड हिंदी है. So हैदराबादी हिंदी सुनाई देगा आपको, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप. Don't worry. I love हैदराबादी accent. It's beautiful when people speak in Hindi. With Hyderabadi accent, it's beautiful. Something very, very unique and very, you know, soothing to the ears. Thank you so much. Harbhajan ji, हम सार मतलब यहाँ पर सारे लोगों को पता है आप great cricketer हैं. In cricket, you are the master. But yes, I have seen few films of yours already Hindi में release हो चुके थे. लेकिन this one is complete lead actor जैसा आप दिखाई दे रहे. So इसका बारे में कुछ बताइए. या ये फिल्म मेरी पहली फिल्म है जिसमें मैं लीड के तौर पे एक्ट कर रहा हूँ. उससे पहले मैंने कुछ कुछ फिल्मों में 2-3 मिनट का अपीयरेंस के तौर पे काम किया है, जैसे मुझसे शादी करोगी, फिर देयर आर कपल ऑफ पंजाबी मूवीज जिसमें मैंने जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्प्स जैसा अपीयरेंस दिया है. पर दिस वॉज काइंड ऑफ फर्स्ट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट जिसमें मैं एज ए फुल हीरो के तौर पे मैं इस फिल्म में आया हूँ. इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. पहली बात तो एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई कि मैं ये कर सकता हूँ. पर मैंने कहा अगर नहीं किया तो 10 साल बाद अपने आप को कहूंगा कि यार शायद करता तो ही पता चलता ना कि क्या होता. सो वो करने के बाद ही आपको कहते हैं ना कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा तो होगा. तो तजुर्बा जरूर हो गया और उसके बाद साथ साथ ये काम भी नया है मेरे लिए और सीख रहा हूँ. एंड या व्हाई नॉट, यू नो, अगर बाकी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है. इफ यू गेट इनटू समथिंग यू मेक श्योर यू गिव योर 100%. इफ नॉट टुडे बट टुमारो इवेंचुअली यू विल गेट देयर व्हेयर यू वांट टू बी. दैट्स हैज बीन द मंत्रा फॉर मी. मेरे जो क्रिकेट का भी यही दौर था जब मैं क्रिकेट खेलता था कि अगर आज नहीं तो कल तो सक्सेसफुल होऊंगा बट मेहनत करता रहूंगा. तो अभी इसमें एक ही अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, मैंने करके देखते हैं. Let's see where it goes. No sir, मुझे लगा था जब ट्रायलर टीजर देखते वक्त मुझे लगा था आप कंप्लीटली एक साउथ इंडियन हीरो का जैसा दिख रहे हो. सो आई रियली लव दैट लुक. सो यू डन एक्शन, डांस एंड एवरीथिंग. इज देयर एनी नर्वसनेस बिफोर यू, मतलब एक्सेप्ट करने से पहले इज देयर एनी नर्वसनेस? या नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी क्योंकि मैंने अपने आप को कभी देखा नहीं था कि मैं एज ए एक्टर कोई जो है फिल्म करूंगा. हाँ, थोड़ा बहुत अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस हियर एंड देयर इज ऑलवेज फाइन, कि पर पूरी फिल्म करना इट्स अ बिग चैलेंज. और नर्वसनेस सिर्फ और सिर्फ तब होती थी जब मुझे डायलॉग बोलना होता था क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी मेरे लिए मुश्किल है और उस लैंग्वेज में डायलॉग बोलना इज इवन मोर डिफिकल्ट. तो तब जाके मुझे नर्वसनेस शुरू होती थी. जहां तक बात रहती थी कि फाइट सीन है या फिर डायलॉग डिलीवरी नहीं है, सिर्फ यू नो जस्ट शॉट है, और वो सब चीजों में मुझे तकलीफ नहीं होती थी. और एक चीज में और सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब उन्होंने बोला कि डांस करना है. तो जैसे ही उन्होंने बोला डांस करना है तो मैं पहले बैकफुट पे चला गया कि डांस करना है मैंने. और वो भी साउथ इंडियन जितने भी मैं गाने देखता हूँ जो कैची सॉन्ग्स हैं उसमें डांस बहुत ज्यादा तेज स्पीड से डांस करते हैं, बहुत फास्ट डांस होते हैं, उनके मूवमेंट्स अलग मूवमेंट्स हैं. तो मुश्किल होते हैं बट यस, थोड़ा बहुत मैंने मैनेज कर लिया समहाउ. वाओ, यू डन अ ग्रेट जॉब. ओके, हु अप्रोच्ड यू फर्स्ट? एवर मी माय फर्स्ट अप्रोच है यार ये प्रोजेक्ट के गुरिंची. मेरा दोस्त है सर्वनन करके लड़का है जो
मेरे लिए वहां पे काम भी देखता है। वहां पे सरवनन पांड्या करके एक लड़का है जो साउथ इंडिया में मेरा काम देखता है, जो बिजनेस क्वेरीज कुछ होती हैं तो वो देखता है। तो वो लेके आया था ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, और मैंने उसको लेकिन साफ ही मना कर दिया था। मैंने कहा कि नहीं यार, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज कभी किया नहीं है और कैसा होगा मुझे पता नहीं है। बट एक बार उसने बोला कि एक बार उनसे मिल लो आप, जब मिलोगे यू माइट लाइक द स्टोरी, एक बार मिलने में क्या जाता है। तो जब उसने मुझे बोला कि एक बार अगर मिल लेता हूँ तो क्या जाता है, तो मैंने सोचा हाँ, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं मिला उनसे, जॉन से, स्टालिन से और सूर्या, जो ये तीनों लड़के हैं, इन्होंने जो फिल्म बनाई है, तब इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई कुछ उसके मुझे क्योंकि ये रीमेक फिल्म है, दिस इज रीमेक ऑफ वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर मूवी। तो जब उसके कुछ सीन दिखाए तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ, मूवी का फील अच्छा है, इट्स ए गुड फील काइंड ऑफ अ मूवी, पर एट द सेम टाइम देयर इज लॉट लॉट ऑफ मीनिंग टू इट, तो एंड में राइट मैसेज बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा मैं कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दिस इज लाइक आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ माई कैरेक्टर, कि उस चीज में घुलना मिलना और उसको बयां कर पाना अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में, उस कैरेक्टर को, वाज अ डिफिकल्ट थिंग। बट यस, आफ्टर टेकिंग फ्यू मंथ टाइम आई सेड यस टू इट। आई सेड चलो देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा, तो वो तजुर्बा जो है वो बहुत अच्छा रहा है। और थैंक्स टू जॉन, स्टालिन एंड एंड सूर्या एंड द होल टीम, आई थिंक यू नो दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, एंड मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार फिल्म जो है वो कर रहा हूँ। సో డాన్స్ కాకుండా మీకు ఏదైనా టఫ్ అనిపించిందా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ డాన్స్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ సీన్ దట్ యూ ఫెల్ టఫ్? या देर वॉर लाइक कपल ऑफ सीन वेर आई फेल्ट यू नो कि ये शायद मेरे से नहीं होगा। जैसे हमारी देर अ सीन इन द मूवी वेर आई हैव टू यू नो गेट इमोशनल एंड आई हैव टू ओके क्राई, एंड टू गेट द इमोशन आउट यू हैव टू फील द सीन यू नो। एंड इट टुक मी लाइक 2 3 4 घंटे लग गए वो सीन को देते हुए, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे किस इमोशन में मुझे जाना है, क्या करना है मुझे टू गेट द सीन राइट। तो बट यस, एज आई सेड यू नो जॉन, सूर्या, दे वर वेरी कोऑपरेटिव कि हाँ यार कोई बात नहीं, जब तक सीन नहीं होगा हम यहाँ पे हैं। और मैंने भी उनको ये बताया था कि सही, मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैं इसी लिहाज से खेला हूँ कि मुझे हर चीज परफेक्ट करनी है, और अगर कुछ चीज परफेक्ट नहीं होती है तो उसको बार बार करना है जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए। और जब मैं फिल्म के सेट पे भी गया था तो मैंने इनको बोला था कि अब मैं यहाँ आया हूँ, आई एम विद यू ऑल टिल द टाइम आई एम हेयर, यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, और मेरे से बेस्ट निकलवाना है। वो कैसे निकलवाना है आपकी मर्जी है, जहाँ 5 घंटे लगते हैं वहां 10 घंटे भी लगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, वाह बट योर प्रोडक्ट शुड बी यू नो कमिंग वेरी वेरी गुड। तो राइट वो जब मैंने उनको बोला, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो ये लड़के अभी मुझे टाइम देंगे कि अगर मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बताएंगे कि ये ऐसे करना है। तो वो जो सीन था, वो गेटिंग इमोशनल, गेटिंग द इमोशन आउट, क्राइंग एंड द सेम टाइम सेइंग ए डायलॉग, देन उसी में ही थोड़ा आंखों में वो फील लेके आना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था टू बी ऑनेस्ट। हम फिल्म देखते हैं कभी कभार हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि वॉट दीज एक्टर्स गो थ्रू टू गेट द ट्रू सीन राइट। तो जब यू आप उनके जगह पे अपने आप को देखते हो तो फिर देन यू फील कि हाँ यार ये भी काम बड़ा मुश्किल है, आसान काम कोई नहीं होता, ये भी एक्टिंग इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ थिंग, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। हाँ हम फिल्म देखने जाते हैं, वी ऑल इंजॉय कि बहुत अच्छी फिल्म थी, उसके बाद हम क्रिटिसाइज भी करते थे, नहीं यार ऐसे होता वैसे होता ये शायद ऐसे होता, बट आई थिंक इट गोज लॉट इन 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 टू मेक अ राइट सॉर्ट ऑफ सीन एंड टू मेक द राइट मूवी। सो फॉर मी टू डू दोस इमोशनल सीन्स वर वेरी वेरी डिफिकल्ट वंस। Have you taken any tip from your wife? మీరు ఏమైనా మీ వైఫ్ దగ్గర నుంచి యాక్టింగ్ టిప్స్ తీసుకోవడం జరిగిందా? యా ఆఫ్ కోర్స్, మే బాత్ కర్తా థా ఉన్సే కి यू నో क्या करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि कैसा जस्ट करना चाहिए? प्रैक्टिस 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 विल मेक यू परफेक्ट, एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग इट यू विल गेट देयर, इफ नॉट टुडे बट टुमारो यू विल गेट देयर, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज लर्निंग।
ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही कुछ करने जाओ तो सीख जाते हो, बट जब आप उस चीज में घुस जाते हो, आप बार बार चीजों को ट्राई करते हो तो आ ही जाती है। पर हाँ, मेरी वाइफ मुझे हमेशा कहती है कि तू ये बहुत सोच समझ के इस चीज में जाना, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी एज इट लुक्स। तो शी वॉज राइट, यू नो, इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल टू एक्ट एंड टू गेट द इमोशन राइट थ्रू आउट द मूवी। कभी हंसी वाला सीन है, कभी मजाक वाला सीन है, कभी रोने वाला सीन है, तो वो सब करने मुश्किल काम है, ऐसा आसान नहीं है।